नमस्ते। अंतरिक्ष में कितना ग्रह और उस सब ग्रह में एगो है धरती, धरती भी एगो ग्रह है। बकिर फर्क इतना है कि धरती में जीवन है उनकरा बोली रासा धरती माँ, और ये जो धरती है इनका जो मोल है वो बड़ा ही अनमोल है। इनका मोल कबो कोई नहीं लगा सकेला। यही प्रकार हमने के संस्कृति में बोलल गल है कि गाय जो है हमने के गौ माता है, और आज के माटी के मूल कार्यक्रम आधारित रही गौ पालन पर। तो कार्यक्रम में आप सब कोई के हमने स्वागत करत है जा। गाय के दुनिया भर में काफी महत्व है, यहाँ तक कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी गाय आगे है। ये एगो ऐसन जीव है जो ऑक्सीजन ग्रहण करके ऑक्सीजन ही छोड़ेलन। गाय के गोबर खाद के रूप में प्रयोग होवेला, जेकर से जमीन जस्ती उपजाऊ होवेला। गौमूत्र, दूध, दही, घी, ई सब से ऊर्जा मिलेला और कितने बीमारी से बचावेला भी। देश के पूर्वी इलाका सेबास्टोपोल में चुरामन परिवार कितने बरिस से गौपालन करत हवन जा। जैसे कुमारी चाची बुलन बचपन से ही उ गौ सेवा में लगल हवन। आज उनकर बेटा, पतो, पोता पोती सब यही कारोबार में जुड़ल हवन जा। एगो गाय से आज गौमा के कृपा से 10 गो गाय बा। आज सेबास्टोपोल गांव में आल है जा और हमने मिलल है जा चाची कुमारी चुरामन जी संगे। और चाची चुरामन जी गौ पालन करेलन जानत हो कितना बरिस से? 15 बरिस से। मतलब कि जब ऊ 15 बरिस के उम्र के रलन तब से ऊ गौ पालन करेलन अपन पिताजी लगे। 15 बरिस से आज हवन 3 कोरी 8 बरिस के सोचवितो के हवन। और इतना जो लंबा सफर बा गाय के सेवा में ऊ कैसे कटलन चला हमने कुमारी चाची संगे सुनब जा। सुनावत जाता चाची। हाँ, अली हियाँ तब अथी तब अली हियाँ शादी होके तब हियाँ अली तो देखा थे गाय बा, तब पड़ल लामे देवे के हमके चाहे दे के कूद में ना, तो कूद में दे ली। तब ऐसे ऐसे कर ले गई तब हमार बूढ़ा गुजर गईन, तब हम नहीं छोड़ ली, नहीं छोड़ ली। तब हम अपन करते अली तब अपन लड़का के दिली, बोली करे के ओके अब ओके दे दिली। बोली बेटा तू सम्हार अब हमार लाश जाता, अब नहीं न सकब ढेर करे। तो लामे दे ला, लामे दे ला ओके हम नहीं बोली ला, नहीं लामे दे ला बा सब लामे लपाई पाई चुन देला बांध देला से बस सही नहीं कैला आगे सही करत अली। चाची हमने के बताओ कि जैसे बोल कि 15 बरिस से आप शुरू कर ले हो ई गोपालन अपन पिताजी के हाथ बटावत हल, तो तब घास के कमती रहल कि अभी घास के कमती जस्ती है? वहाँ जस्ती घास रहल। कहाँ रहता तब कांचे रहल था वहाँ घास रहल, कसिया पाला बहुत घास रहल, तब लामे दे तली अपन बाप के। अच्छा कौन घास जस्सी खुशी रहला गाय? गाय जस्सी कसिया पाला जस्सी गाय खाला। हाँ और कठिन कार्य है ये संभाले के? संभा हाँ तब ऐसने करते करते अब लामे भी देते, तब हियाँ आई तब ले सिकिन घास बोलन सा, तब जाए तली घास काटे तो चाहे ला लामे देखे ना तब लामे दे तली। तो चाची ये बतावा कि आगे अभी देखत है जा कि 10 गो गाय बा लगभग तोहर लगे, तो कितना गाय से शुरू कर ले रहा बोला था? पहला हम आए लली तो हमार बूढ़ा लगे रहा गाय एगो, गाय एगो बच्चा रहा, तबे से शुरू कर ले है गाय बा सुनल ना। तब आले आले गाय साँझे कर ले गली से तब हमार लड़का किनलक, तो वो किनलक हम यो लामे दिली से तो किनलन, तो लामे में देते से हो लगल। और उ सब दूध जो मिलेला कहाँ पर कंपनिया में देवेला? नहीं ऐसे किलियाँ लेवेला दूध, किलियाँ लोग के दिला से सगरे में लड़का जाला दूध छोड़े। हाँ मोतावलास जाला, पेलगा जाला, बस्ते पोलो छोड़ेला, लोग खरीदे लन जा? हाँ खरीदे लन सा। हाँ एकर मांग है बहुत? हाँ एकर दूध के बड़ी मांग मिल सा। हाँ बहुत मांग, कमती हो जाला तो बहुत अति होला, प्रॉब्लम होला बोला माँ दूध नहीं बाज कैसे करब सा। बोले बेटा बोलिए किलिया के आज दूध देवे, तो बोले काल भी ली ऐसे बोली ला। चाची परेरा सांत्वना दे के? हाँ सांत्वना दे चाहे नाल दे के ना। हाँ ऐसे ऐसे तो हम लामे देते आल हैं, अभी ले तो लामे देवत है नहीं छोड़त है अपन लामे दे ला, हाथ देवे चाहे ला। हाँ। दूध से आप घी निकाले ला? हाँ निकालत तली, अब दूधवा उतना नहीं तो किलिया के पला देवे के ना, तो घी नहीं निकालत है।
खोखोरनी देवे ना लेका लोग के खाए के खोखोरनी नहीं खाए खोजे लंसा बाबू का है हो नहीं बलंसा कौन सी आई कहा आप खाते ना हम खाए तली हम नहीं बोली ला खोखोरनी तब बोली ला खोखोरनी आ ता नहीं खाए खोजे लंसा बंसा साकी सारा आजकल के लेका बेटा विद्यानंद जवान बा फिर भी ई गाय के लालन पालन में जुड़ गल बा न घाम से डेरालन और न तूफान से हमने संगे भाई विद्यानंद चुरामन जी हवन और देखवा जा कि कितना युवा हवन जवान हवन फिर भी देखत है जा कि आप गौ पालन के जो क्षेत्र है उकर में चलाल हुआ कितना जवान लोग ई काम से भागे लन जा आप कैसे ई काम में चलाल हुआ हम अपन माँ बाप के स्वीव कर ले आए देखी ला कैसे लोग करा लागे छोटा वैसे लेकोल जाती तभी कुद में देवत लिए गो जब हमारा बाप जब गुजरल तो हम अकेले हो गल तब एगो कुद में दे लगली हम भी संगे तब लिजिन भी काम कर ली फजीर के जाते शान के वो लापाई काट के रखा हम भानी रख के हाली से जाते काम करे तब गते 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 शादी कर ली शादी करके अब बोला पीतो अपन हये कमवा करी ला जस्सी हमें जस्सी थकान हाँ रात का उठे लड़का के मुँह नहीं दिख रहे कब अदना यहाँ अपन काम कर अपन माँ के लाऊ के वहाँ माँ बोला तो एगो बात और दो तीन गो किन ले तो देख सके कितना सके हो तो अपन तू करी आइए में तो हमसे हइए में अपन कुमाऊँ से कर ले गई देखा रहे आगे भी होते बरकत है बरकत भाई में गाय जब पोस बता बरकत बा कौन प्रकार से तोहरा हमने के जो जवान बा उन लोग के सकबा औकुआजी करे और अपन जो एक्सपीरियंस है तोहरा अनुभव जो है गाय के पालन करे के फासिल काम नहीं है आसान नहीं है हमने के सुनावते हाँ पैके चला बोने उठे के फजी के कातरा जिमाते हैं उठ उठ के चला लिखिए पहले जाके नितवाई गए के चाहे गर्मी हो चाहे ठंड सिक्लोन नहीं पानी गर्मी कुछ रही चला उठ के सिक्लोन भी पा गई बड़ी आई के अपन लिखिए नितवाई करके अपन सेवो लेके आके अपन दूध निकाल अब सा दूध निकाल के अब हम माडा मम के खुद में देवे ला छान के वो सब बुते में सब बुते धो से सफा से तब हम जाए लिफे करे तब जब आए ला लिफे करके तब जब खा के देखूँ जब बिस्किट निकाल लिया आगे आगे तो वान नहीं रहा अब बिस्किट में जाती घास काटे गते गते को मुचकेत होल तब अभी कुछ वान एगो घसी लिए वान हो कि नहीं गए तब हाउ में जब जाएला तब अपन लापाए वहाँ के संगे ले जाएला लापाए रमास के आनी ला सा संगे तब एगो लापाओं से जला उसे तब बिसिकलेट से मोटरसिकलेट मोटरसिकलेट से काट पौकात मतलब कि गायमा जो है तोहरा आशीर्वाद देवत हुआ बहुत बरकत बा और देखते हैं चाहे तोहर लड़का जो एगो बेटा बा एगो बेटी बा उ लोग भी देखते हैं जा उ लोग हिचकिचान हैं जा नहीं लोग कौन ला लोग हम सिखाई ला लोग कैसे हम पास हो ले सब में तो वो लोग देखे ला कैसे हम करी ला लोग हमके एक करे लन सर मजा कैसे पापा कैसे हम बाप है ना बोलन सर बोला कहे पापा अकेले करी तो लोगों ला में दे बोला करे के खुशी रहे लंस लोगों और जामे लोग नहीं बोली कि नहीं 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 करब और हमने के बताओ जितना फीमिया मिलेगा उ सबसे कौन जी करे राजा फीमिया एगो एक दू गो कामियो आवे ला ले जाए बेच ही लाओगे ओ से कुछ एगो आमदनी हो जाए ओ से आमदनी भी हो जाए वो बरकत हो जाए वो मिलेला मतलब कि फेकाला नहीं 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 गाय के चीज कुछ नहीं फेकाला कैसे कैसे सकबा बोले हमने के बतावो त कैसे कौन कौन चीज तक लेगिनो से भी होला कोई लेगी मिल के आके डाले ला लेवे ला जा हां और ये अगर फीमिया हो तो गोबर जन सब ब्रह्मास के रखिला सा तक जैसे सड़ेला था कामियों लेके बढ़ के लेके जाला खाद और दूध से तो दही मिलेला घीव मिलेला घी निकाले ला जा आप लोग नहीं वो हमारे माँ तो नहीं दूध में नहीं बस होला हमने के हाँ तो हाथ बिक जला सब बेचा जला हमारे कबो पहला क्लियों से बोले के गाय बच्चा दूध पी ले ले बा कबो दूध कमती हो जाला तो अभी गते गते अभी और वैसी करब अभी हम अभी सोची अभी दस गो बा अभी सकेला और दू गो डालब गते 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 सब हो जाए भगवान की कृपा से गौ माँ की कृपा से गौ माँ की कृपा से तो हमने के बोला कि फाहे बगल से मंत्रालय बगल से या फिर स्मॉल फार्मर्स वेलफेयर फंड के तरफ से तो के कोनो सुविधा मिलल हाँ फाहे बगल से भी स्मॉल फार्मर्स बगल से भी एगो एगो एद मिलेला एक मजा गाय बच्चा दिला तभी एगो देव सैक मिलेला और एगो बाछी जब पोसी छोटा से बच्चा बड़ा करके पिकिया कर लिया बच्चा वो दिला वो सैक मिल मिलेला ता ई बोला जब गाय बच्चा देवेला तब एगो सुविधा मिलेला मंत्रालय के तरफ से तो ओकर जो पुना ख ओकर पर एगो शिक्षित मिलेला गवर्नमेंट वो शिक्षित देवेला गो पॉकेट पर आवे मतलब कि कोनो प्रकार से जब कोई गौ पालन करे खोजी हर तरफ से उनकरा हेल्प
सुविधा मिले सकी मिले तो पापी चला सब सब धुआत रह के सैपिए जेब स्मॉल फॉर्म सब अपन पापी करब अपन सब पे करब सब तुरा काम रही पापी रही तो सब चीज मिली तुरा कुछ नहीं कठिना होला और तो अगैसी तर जब जब किनब तो अगैसी देवे लंसा तो जाके अपन छोड़ब तो होबे हर महीना के तोर पैसा वैसे वाला बैंक में तो हर जैसे जवान युवक अगर ई क्षेत्र में आए खोजी तक कोनो संदेश देब हम तो बोला कोई आई हमसे को निधे मांगे हम तो देवे करब बस हमके लौके लगो लाभौताज बा में तो चाहे सब अपन काम कैला और जस्ती निमन से जीव में कह पा तो ना नहीं रिलैक्स आले नहीं नहीं अपन आले सुतब अपन आले उठब कई बजे मन अपन काम करे के समय कर ले में काम कैला गाय के सब हाँ सब हाँ तो ये सब जानकारी खातिर हमने भाई विद्यानंद जी के बहुत बहुत धन्यवाद देवत है जा और देखत है जाकि एगो प्रेरणा स्रोत हवन पहले इतना सुविधा ना रहल जैसे विद्यानंद बुलन कि आगे 4x4 सवारी ना रहल मोटरसाइकिल और बाइसिकल से काम चलावत रहलन चाहे घास आने के रही या फिर दूध बेचे के ये परिवार कबो हताश ना होई लंजा मंत्रालय के तरफ से काफी सहायता प्राप्त हुवेला समय समय पर विद्यानंद अरुणकर श्रीमती फारे औरी स्मॉल फार्मर्स वेलफेयर फंड से संपर्क रखते रहलन जा फाहे की तरफ से और स्मॉल फार्मर्स वेलफेयर फंड के तरफ से हमने के जन भाई बहन दूध गोपालन करे लंजा उलो के कौन प्रकार की सुविधा प्राप्त होता हाँ तो माती के मोल के सब दर्शक के नमस्ते तो आज किसी देखा बोला था गोपालन तो गोपालन फाहे ऐसे हरदम जाएला जा हमने के खेत में किसान लोग जुड़ल हो जा पर हमने भी जो गोपालन में हो जा सब में बहुत सुविधा दे ला जा सरकार बा फाहे जैसे बोला और हमने के जो स्मॉल फार्मर्स वेलफेयर फंड तो आगे फागे कोनो भी हमने के प्रशिक्षण है ट्रेनिंग कैसे बोली ला जा गोपालन में हम दे ला जा कैसे पोसल जला और एक चीज़ हमने के चाहना है जा दिखबा जा है जा जब आल है जा अच्छा तरीका चाहे ना अपनाए के ये पहला चीज़ हमने सिखाए ला जा इतना हमने के कैसे बोला गौ माता है तो उन लोग के तह चाहना निमन से हमने के सेवा करे के सेवा करब तब न हमने के अच्छा दूध मिली कैसे बहुत हम जा है जा कि दूध इतना अपने आप के नहीं कबो नहीं मिलेला पिए के तो हर बात काट के बोलत है कि जैसे कि थोड़ा घड़ी आगे हमने के चाची बोलन कि उनका दूध नहीं मिलेला उतना घी बनावे के हाँ तो हम तो बेचैनी से इंतजार करते है जा कौन चीज मिलत हमके घी मिलत और कौन चीज खोकोड़नी मिलत हम वही आशा में आ रहे पर हैजा अच्छा बात बा है जा जो दूध पैदा होता उस सब बिक्री हो जाता इतना अच्छा बा और कोई बात नहीं बिक्री नहीं होला पर हैजा अगर ठीक से कुछ भी करब तो तुहर जितना चीज बिक्री बा करे के वो दूध बिछा जाए तो ये पहला चीज तो यही हम बोलला जा चाहना अच्छा तरीका नहीं हमने के जो गौ पालन जे लोग इमें हवन से उ लोग के चाहना अच्छा से देखभाल करे के साफ सुथरा रखे के पानी सफा दे के उ लोग के खाना खाना चाहना दे के जितना चाहना किसी जा देखा तो लपाई बा घास बा उ लोग के पुनाक देवेला जा ये सब और पुनाक कैसे बोलिया जा सरकार एगो सब्सिडी देवेला पुनाक किने के हैजा कौन सब्सिडी और मिलेला हैजा अभी देखा था हैजा हमें के जोन भाई चुरामन हवन अभी 4x4 किने हवन तो ऊ में भी बिकाया के सुविधा मिलेला तो ये सब सुविधा हमने सोचा था जा जे जे कैसे देखा तो हैजा देखा था जा तीन जनरेशन हवन जा जैसे बोला चाची बा उनका बेटा बा पतो बा और नाती नातिन सब हैजा हवन जा सब सब कोई हाथ बटावे लन जा एकदम हाँ स्कूल जाते हुए जा फॉर्म टू में हुए जा अभी देखा था जा पेशाक से पियो कैसे आगे बढ़ते हैं जा पर सब हाथ बटावे लन जा सब कोई के एगो बखत है कौन चीज छाला करे के कोई धोएला कोई देखा तो जा पानी देवेला कोई पुनाक दे कोई है जा खेत में आवे लन जा हमने के चाची बा वो भी देखा तो उन्हें तो बहुत हो जा उम्मीद हो गल बा पर अभी ले सहायता देते हो जा तो अच्छा बा तो यही बोली जा कुछ करे के अगर परिवार साथ रही तो अच्छा बा तो बास्टोपोल में वातावरण देखा तो ऐसे तो देखा तो जा पहाड़ी इलाका बा जब बहुत से के रोपाई होला खेत बा ऐसे तो उन लोग के गाय के खाना मिल जाला
लोग के घास उन लोग के ईंख के जोन पत्ता बा ये सब मिल जाला तो ये लोग सकत हो जा उन लोग के जोन गोपालन बा आगे ले चले तो ये बोलती सुविधा हमने फागे हरदम बोलीला प्रशिक्षण देते रहला जा और सरकार स्मॉल फार्मर्स वेलफेयर फंड से और सुविधा का देवता एगो तोहर बाछी गाभिन रही बच्चा हो गल तो तीन महीना में 2500 रुपया दे देवे लंजा ये गो सब्सिडी है पहला चीज दूसरा ये गो लोन नहीं है ये हाँ, मतलब कि एगो गिफ्ट कादो है हाँ ये गो ऐसे दे दे वाला जा काहे खोजत है जा जमे कोई के एगो बाछी रही उ जमे उ उकरे रही उ गाभिन हो गल बच्चा हो गल तो 2500 मिल जाला स्मॉल फार्मर्स वेलफेयर फंड बगल से अब उ जोन बाछी रही था उ गाभिन हो गल बच्चा दे देलक ओकर पर 5000 रुपया और दे देव अब जा तो ये दू गो चीज बा एगो बच्चा देवागर और एगो गाभिन तोहर यहाँ रही उ बच्चा देलक 5000 दे देला जा तो ये सब जोन सुविधा फागे स्मॉल फार्मर्स से फंड और सरकार देती आवा था किसी बात है जा तोहर 4x4 सब कुछ अथी किसान के सिर्फ नहीं नहीं इ लोग के भी तो इ लोग के सब सुविधा मिलते आवा था तो यही खातिर हम बोलती जे क्षेत्र में हवन उ लोग के चाहेला अच्छा तरीका अपनाए के अच्छा तरीका माने कैसे नहीं बोल जा रोटी कपड़ा और मकान तो कुछ भी हमें के जानवर रही हमें के छाइना सेवा करे के साफ सुथरा रखे के ताकि और एगो चीज़ अभी हमने के भाई जो भी बोलिया ना मच्छर कबो काट देवेला था कमती का छाना करे के ये सब तरीका छाना अपनाए के और हमने क्या करो थे जा प्रकृति के ओर छाना जाए के अब तो सब कोई बतवन जा हई इस्तेमाल करबा नहीं सकबा जा कोनो कोनो कैसे बोलीला जा हमने के जोन गाछी बा सितौने तक सब कोई जानेला तो उ मच्छर के सकेला भगाए तो ये सब छाना अपनाए के हमने के भाई अभी चुड़ामन बोलियान ऐसे दिखत है जा हमने है जा बोलली ना है जा गाय के पालन होता गाय के पालन पर हौजा द्वारी पर कौन सी बा हाइड्रोपोनिक्स देखा था कैसे होने टेक्नोलॉजी और इधर भी टेक्नोलॉजी आवा था अभी भाई बो जो भी बोले अभी सब कोई दूध दुए ना जा पर अब का उपकरण आना था जा मिल्किंग मशीन वो भी जो नेगो ग्रांट 50% सरकार देवा था और भाई चुरामन है जो सब्सिडी बा ले लेने हवन कभी भी जब चाहे ना ढेर दूध हो जाला देखी ला जा कभी समय के अभाव पर जाला तो चाहे ना मिल्किंग मशीन भी इस्तेमाल करे के तो ये भी सुविधा हम ही देवत है जाते ही कोई भी अभी हवन जा खोजत हवन जा गोपालन में जाके तो हमने यहाँ हमने के दरवाज़ा हरदम खुलल रहेला अया जा प्रशिक्षण देवत जा और ये सब जितना सरकार देवत सब सुविधा सब सहायता चाहेला अवश्य तू लोग के चाहेला अपन यहाँ अपना हो के जैसे कि आप लोग देखा था जा कि हमने के भाई प्रताप जी बोलन कि मंत्रालय की तरफ से आप लोग के भरपूर सुविधा प्राप्त हुआ था तो आप लोग झिझकिया जा नहीं और जैसे कि बहुत कोई सोचेला कि फागे जो है खाली सब्जी जो रोपेलन उ लोग के सुविधा प्रदान करेलन नहीं जो जानवर के पालन पोषण करेलन उ लोगन के भी कितना प्रकार के सुविधा मिलेला तो खाली तो लोग के कौन चीज जाना करे के फागे से संपर्क रखिया विद्यानंद के नहीं पड़ेला कोनो दूध कंपनी में दूध बेचे के काहे कि गांव में जैसे कि बोले लंजा हाथों हाथ सब दूध बेचा जाला हमने संगे बसंती जरी जी हवन और यहाँ पर देखते हैं जा चाची चुरामन लगे गल 10 बरीस से दूध लेवे लन हमने के बतावा यहाँ पर दूध अथवा 10 बरीस से का है तो ओकर से घी निकाल थोड़ा बहुत और पीला सा गाय के दूध के कौन महत्व गाय के दूध के बहुत अवती है बेटी वो आगे के आदमी जानत रहा अभी के लड़का लोग नहीं जाने लगा पूजी ले ला पूजी ले तो मैं गाय के दूध में बहुत हाँ शक्ति है अब मिले ला भी नहीं अब तो उतना गोपालन के काम आसान न है खातिर नौ सिख्या लोग खातिर प्राप्त होवेला पिंकी चुरामन कबो गोपालन नहीं करे रलन पर आज अपन पति के सहायता बखूबी करत हवन ई सब प्रशिक्षण के ही प्रतापे है।
माटी के मोर कार्यक्रम हम निकले के आल है जा आज सेबास्टोपोल गांव में जहां पर हम मिलनी जा चुरामन परिवार संगे जहां पर गो पालन बहुत ही अच्छा तरीका से होत बा और फागे के अधिकारी हम संगे हवन श्री दोबी पृथ्वीराज सिंह उनका संगे हम जानब जा कि कैसन कैसन प्रकार के प्रशिक्षण ट्रेनिंग मिलेला सरकार के तरफ से। सबके नमस्ते। फारे कैसे जाने ला है? सब करते ट्रेनिंग देवेला प्लांट एवो के बा एलवे एवो के बा तो कहते एलवे जो गौ पालन लोग बा उकर फॉर्मेशन ट्रेनिंग बा ट्रेनिंग वो हमें के एमक्यू अप्रूव है। एमक्यू अप्रूव माने माने कि अलाफे एगो सर्टिफिकेट मिली हाई वो ट्रेनिंग और गौ पालन कब देखब जा तो तरह तरह के ट्रेनिंग बा एगो ट्रेनिंग गौ पालन में पर रही उकर कैसे घास प्लांटे के और जो जेसियों लाफेम और कोताबिलिते हाई सब पर ट्रेनिंग बा तो एगो कब देख बा तो हम एगो लालिश हुए बा कोई एंतरेसे रही तो हम के ऑफिस के भेंट कर बा और को फॉर्म भर दे बा तो अपने वो लोग बोलियन जा कब कुआ शुरू हो ताकि अपन को स्वीव हो जा हाई ट्रेनिंग के उपलान और तरह के फैसिलिटी देला से हमें एगो एलवे जब घरे बोली आके देखे और सिस्टम एलवाज कैसे बा तो हाउ जाएला से रूटीन विजिट में कोनो कौन से टेक्निक रही तो प्लस देब से और एगो स्वीवी करब से कमवा कैसे होता और सब कहते असिस्टेंस देब से बस के एलवाज कब देख बा जा तो चाहेला अब मॉडर्निजे करे के और इनोवे करे के हाउ ट्रेडिशनल रहल हमी के सिस्टम सेल में है जो फॉर्मेशन रही तो इस हिसाब से आगे बढ़े तो और हमी के पॉजिटिविटी और हम के उत्पादन ज्यादा के ज्यादा हो। मतलब कि कोई भी शुरुआत से वो खोजता गो पालन करे के तो उस की मंत्रालय आए जहाँ पर उनकरा सब इन्फॉर्मेशन सकी मिले। हाँ ये तो सही बात बोल रहा कोई एंतरेस रही सब पब्लिक रही कि कोई खोजता हाई डोमेनवा में क्षेत्र में आई के तो उस जो अभी एगो करते बा है कमवा वो हम यहाँ आए भेंट करी तो सब सुविधा देब से हाई इन्फॉर्मेशनों पर प्लीज कौन से टेक्निक आप प्लस उस सबसे और जो तेरह पर कहाँ बनैन से लेके रही सब हाउ जो सबसे को विजिट करके और कौन से ओकरा दे कैसे आर्थिक मदद मिलेला मदद तरह तरह के बा है मदद कैसे बा हमी के जो मॉडर्नाइजेशन एंड इनोवेशन स्कीम पर है एक में गवर्नमेंट हमके मिनिस्ट्री वो ग्रांट देवेला कैसे अपन तोहर सब कंडीशन रही सब खितिया सेटिस्फाई कर बा जा तो कैसे कॉन्स्ट्रक्शन है वो बाचीमा बना होता है वो गौ पालन के तो उकर में 200,000 रुपये कादो मिली सब 50% थोड़ा पोजे एगो पोजे में तो 100,000 रही तो 50,000 मिली एगो पोजे 1,000,000 रही तो 200,000 मिली हाई कॉन्स्ट्रक्शन के दूसरा जो बा हमी के इक्विपमेंट पर जिसका 350,000 रुपये कादो से की मिले और मैम तो कोनो लोन नहीं है लोन नहीं है हां ई कब अपन अच्छा कर देबा सासिस का सब खीते तो सब अति और प्लान चेहरा आला सब सब कौन सी मांगा था हां और खीते जब सब रही तो तोरा फैसिलिटी वा मिली हाय एगो ब्लेसिंग वो ग्रांट है। अब दूसरा जो चीज बा हमी के रेन वाटर हार्वेस्टर हायु पर एगो स्कीम बा सब जे दिलो जो नती पानी आवेला बरसात नेचुरल ओकरो सब कापते करे सर्वी करे अपन लेके रही नितवाइए करे के उस लेगिंग प्लांट ले हुआ आगोजे करे के हयु सब करे और अमेम तो हम के एगो दूसरा स्कीम बा सीसीटीवी तो हाई तब बोला था दो तीन को प्लास में देखा जाए चोरी होला तो यू कैमेरा है कैमरा सर्वेलांस सब सर्वे करे मैम अपन पोता में सब देखल करे हमारे गाय का करता बैठल बा खाता है अमेम तो देबा कौन चोरो आवता तो वो सब अपन वही करल करे सब पानी उ रख दे सब सब रख दे सर दूरवे से मैम कहूँ रह बत अपन वही करते रह बत और लेकेरी कैसे बा जनावर का कर रहता कोई इतराजे आल बा तो सी सी टी वी वो पर एगो घाट घाट बा ओकर में वो सैकड़ों में रुपये के घाट बा। दुबी जी हमने के बता कि यहाँ पर देख लिया जा भीतरे शॉपिंग लिद बकीर प्लास्टिक में ढेर मक्खी चिपक गल बा वो का है। हाँ कैसे जाने ल कब एलवाज गाय के करब तो हम जो स्टेबल फ्लाई बोलन से जो मुसबेफ ये आचिरे होला तो कब ये आवेला एगो लेकेरी में तो पहला चीज हम जानवर के खून सूसे करे हैं तो इसे ढेर प्रॉब्लम से की हुई पहला हुआ जानवर एकुफताब रही निमन से उठी बैठी नहीं उतना नहीं खाए सकी हो मक्खिया को मलादियो हुआ ने तो इसे कब देखब तुहर पोजिशन जिले वो सकी बेसी हो जाए और जानवर के को बीमारी वो हो जाए
तो हमी एगो लेकेरी में बहुत ऐप होता है हमी के जो मक्खी है वहाँ कंट्रोले करेंगे और जो स्टेबल फ्लाई बोला से तक अब देख तो एगो लेकेरी में प्लीजिया फासो कर ले कर जा एगो वाया फिजिक डाल लन सा एगो फ्लाई प्रूफ नेट डाल दे लन सा तो मक्खिया नहीं आए उस वह हैजा कैसे देखा था भाई चुरामन कौन कर ले बा वो बूते ले ले बा ओजी ने वो कहा मैं लाखों लेगा डाल दे ले बा और आप आंदा का दिल पर कैसे होते हैं जब कोई की हाथ में नहीं लगी खाली मक्खी से क्या करें कैसे पोजे हो तो मैं सट जाए और हो जाए वो मर जाए तो हाई के को लामोताज बा एक को फौज सीमिक नहीं सर्वी करा था दूसरों फासो सब बस सर्वी करे वो फौज सीमिक तो हैजा कब देखा थे जब सब नेचुरल सर्वी करा था जब एक को प्रॉब्लम न हो जनावर की। विद्यानंद के बेटा 12 बरिस के है, कॉलेज जालन पर जाए से आगे अपन पिता के हाथ बटावेलन दूध बेचे में गाय के सेवा में उ लड़का पीछे ना रहेलन। उनकर माँ पिंकी के लाडला हो देखत है जब पिंकी जो है अपन सास के अपन पति के खूब सहायता पहुँचावेलन और सबसे बढ़िया जो बात है पिंकी तोहर बेटा जो है 12 साल के है नयन फिर भी तोहर हाथ बटावेला। हाँ नयन हमने के बहुत कुदमे देवेला घर में लेकेरी में साफ सफाई करे के दूध छोड़े के जे कोनो प्रॉब्लम भी रहेला लेकेरी में वो आवेला एदे करी हमने ये सब करेला सब करेला काहे झूठ बजा हमर लड़का हमर खातिर सब करेला। और देखिला सा कि तोहर पति जैसे बोला थलन भाई विद्यानंद जी बोला थलन कि हाथों हाथ सब बेचा जाला दूध तो जालन हाथ दूध बेचे। हाँ नयन जाला दूध बेचे अपन बाप संगे जाला फजीर के उठ के 5 बजे तब लेकोल जाए से आगे उजाला दूध छोड़े आगे तब जाला लेकोल मतलब कि कॉलेज जाए से आगे वो सब काम करने वाला। हाँ वो अपन आलोम डालने वाला और उठ के हमने संगे जब हमने उठेला तब वो भी उठ जाला जाला अपन दूध छोड़ के तब आके पारे होके तब जाला लेकोल। एकर पर हमने देव जा बधाई इनकर माता जी इनकर पिताजी के कहे कि नवा जेनरेशन के हवन नवा पीढ़ी के हवन फिर भी देखत है जा कि कैसे हाथ बटावेलन वो भी गौशाला में इनमें तो लड़का बहुत आगे निकली। पिंकी चुरामन जो है वो अपन पति के खूब सहायता देवेलन सास की भी सहायता देवेलन और खास बात ये है कि उनकर बेटा जो है नयन वो 12 साल के है और फिर भी वो देखत है दूसर दूसर लड़का नियन उतना नहीं है वो बहुत ही सहयोगी देवेलन सहयोग देवेलन अपन माँ बाप के ये सच्चे की बात है बस कि नयन जब से कॉलेज जाला हमने के बहुत एड करेला। आज घर घर गाय की ताजा दूध नामी देला पर विद्यानंद चुरामन जैसन जवान इ व्यवसाय में आगे अगेन त घर घर दूध मिले के देरी ना होई जहां चाह रहेला राह मिल ही जाला। हमने के भारतीय संस्कृति के अनुसार बोला जला कि गाय में 33 करोड़ देवी देवता पावल जला और आज के हमने के माटी के मूल कार्यक्रम यही गोपालन पर आधारित रहल और हमने आशा करत हैं जा कि आप सब कोई के भरपूर जानकारी प्राप्त होल होई और देखा जा कि कोनो प्रकार के आप लोग के जानकारी अतिरिक्त जानकारी आप लोग के चाहेला तो ज़रूर फागे से संपर्क रखिए। धन्यवाद नमस्ते।